से कल जी बात करें अगर ग्वार की, तो कल के ही कारोबारी सत्र में शाम होते होते क्लोजिंग होते होते एनसीडीएक्स पर हमने ग्वारगम और ग्वार सीड में ऊपरी सर्किट लगते देखे थे। 5-5, 6-6% के ऊपरी सर्किट लगते नजर आए थे। आपको क्या लगता है, क्या यहां से ग्वार में अच्छी तेजी, एक अच्छी रैली जारी हो गई है, या फिर ये सिर्फ महज एक इंट्राडे के लिए ही था? बहुत अहम सवाल पूछा है अखिलेश जी आपने। ग्वार सीड यद्यपि बहुत छोटी कृषि फसल है और इसका निर्यात भी भारत ही इसका एकमात्र मतलब प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसके अंदर कुछ जगह कुछ मामूली सी इसके अंदर उत्पादन होता है, और भारत के अंदर भी कुछ 3 राज्य ऐसे हैं जो ग्वार सीड के उत्पादक राज्य माने जाते हैं, वो है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ इलाके। तो गौरतलब है कि बहुत छोटी एरिया के अंदर इसका उत्पादन होता है और इसकी डिमांड जो है बहुत ही सीमित क्षेत्रों में होती है, तो इसको मैनेज करना, इसको मैन्युपुलेट करना, इसके उसको कुछ मैं यदि एक कदम आगे बढ़ के कहूं तो कि इसके अंदर कुछ ग्रुप हमेशा शामिल होकर इसकी तेजी मंदी के अंदर पूरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की फसल नहीं है, आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके अंदर और छोटी मात्रा में होती है, तो इसको मैनेज और करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत हैं, क्योंकि इस बार जो बिजाई हुई थी ग्वार की वो कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से लगातार कम होती आई और इस साल सबसे कम मानी जाती है। दूसरा, बेमौसम बरसात से, और पहले शुरुआत में बरसात बिल्कुल नहीं हुई, उसके बाद तेज बरसात हो गई तो ग्वार सीड दागी हो गया। ज्यादातर जो माल मंडियों में उपलब्ध है वो ब्लैक यानी दागी माल है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध नहीं है। तीसरी तरफ ये इसका एक पहलू है, और एक पहलू इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि एक्सपोर्टर्स के पास जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके पास पर्याप्त ऑर्डर है और पिछले साल के बनिस्पित अधिक ऊंचे दामों में ऑर्डर है। दूसरी तरफ लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से ग्वार सीड के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा है, ऊपरी स्तर से काफी इसमें गिरावट भी आई है। अब पॉइंट यह है कि जब आपके पास माल उपलब्ध नहीं है, आपके पास ऑर्डर प्रचुर मात्रा में है, तो फिर गिरावट क्यों? फिर गिरावट की क्या वजह है? मंडियों के अंदर भी यदि कोई बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल लेना जाए कोई अच्छी क्वालिटी का, तो उसको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के ये तो निश्चित है ये स्पेकुलेटिव मार्केट चल रहा है, कुछ ग्रुप इसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं, सूचनाएं और आदान प्रदान हो रहे हैं, और कुछ लोग अलग अलग बातें अलग अलग सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, लेकिन मैं फंडामेंटल पे चलने वाला व्यक्ति हूं और ग्वार सीड के फंडामेंटल मेरे हिसाब से मजबूत है, और इसके अंदर जब रिक्वायरमेंट होगी तो निश्चित रूप से दाम बढ़ेंगे और जो अराइवल आना था बाजार में वो ग्वार सीड का लगभग आ चुका है। अब सिर्फ माल उन लोगों के पास है मेरी गणना के ऐसा आधार पर कि या तो किसान है जो मजबूत स्थिति के हैं और वो निश्चित रूप से वो माल नहीं बेचेंगे जब तक उनको माल का पूरा भाव नहीं मिलेगा, या फिर वो कारोबारियां हैं जो माल होल्ड करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। तो आप कितना भी ऊंचा नीचा हो जाए, जब किसान और मजबूत व्यापारियों के हाथ में फिजिकल का माल है ग्वार का, वो वायदे के अंदर ये ऊंचा नीचा जितना मर्जी हो जाए लेकिन फिजिकल के अंदर आप कमजोर हाथों में माल नहीं है। किसान भी जो अपनी जरूरत के हिसाब से माल तो बेच देगा लेकिन जो उस जितना वो रोक सकेगा वो रोकने का पूरा प्रयास करेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर ये मैं बात ये भी कहना चाहता हूं, ग्वार सीड एक मात्र ऐसी कृषि उपज है जिसको बरसों बरस तक लोग रख लेते हैं, और उनको यदि जरा सा आइडिया हो जाए कि इस बार भाव अच्छे बनेंगे फिर उनसे माल निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि आज से 10-20-25 साल पहले सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था, आज हर किसान के पास इंटरनेट है, हर किसान के पास मोबाइल है और वो पल पल की खबर रखता है, आप सुनी सुनाई बातों पे वो बिल्कुल विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा, ये मेरा अपना आकलन है। और मुझे लगता है कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी मंदी तो मुझे नजर नहीं आ रही है। जी अखिलेश जी, जी
तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक ग्वार में ज़्यादा मंदी उनको नज़र नहीं आ रही है, ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूती की ओर हैं और कर्नल अजय जी ग्वार में मजबूती की ओर ही रहना पसंद कर रहे हैं।